हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बिल्ड क्वालिटी के कुछ पॉइंट्स कवर करूँगा। और जैसे आपको मालूम है कि फॉक्सवैगन पोलो है मेरे पास, टी रॉक है, तो फॉक्सवैगन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी का, इनकी ड्राइव क्वालिटी का। बट बिल्ड क्वालिटी का मतलब सिर्फ मेटल शीट, सेफ्टी, ये नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम फिट एंड फिनिश भी चेक करेंगे इन गाड़ियों की, और उसके अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स मैंने डिसाइड किए हैं कि सेफ्टी से लेके विंडोज़, मैट्स, रूफ, लेज़र वेल्डिंग रूफ एंड एनी लाइक देर आर सो मेनी पॉइंट्स जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और फिर उसको 100 में से हम देखेंगे कि जैसे आज मेरे पास है फॉक्सवैगन हाईलाइन प्लस मैनुअल, इसमें हम देखेंगे कि इस गाड़ी में जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं तो किन पॉइंट्स पे ये गाड़ी खरी उतरती है। और गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो होती है वो आर्ट और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन होती है। तो वंस आई विल चेक फ्यू मोर कार्स, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हर मैन्युफैक्चरर हर चीज़ को कितना डिफरेंट वे से करता है, जबकि गाड़ियाँ देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स चेक आउट कि पॉइंट्स के हिसाब से ये हाईलाइन प्लस कैसे परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी एन कैप की सेफ्टी। जी एन कैप में वॉक्सवैगन वेंटो पोलो को 4 स्टार्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि अगर मैंने 20 मार्क्स सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं जी एन कैप की, तो अगर 5 में से 5 मिलते तो 20 मिलते, बट अगर 4 मिले हैं तो इसको 20 में से 16 नंबर इसके माने जाएंगे वॉक्सवैगन वेंटो के। फिर आती है बॉडी शेल स्टेबिलिटी। बॉडी शेल स्टेबिलिटी में जी एन कैप में फॉक्सवैगन पोलो को स्टेबल बताया गया है, इसलिए फॉक्सवैगन वेंटो सेम प्लेटफॉर्म पे होने के कारण और बढ़िया उससे सेडान होने के कारण वी कैन अज्यूम के इट इज़ स्टेबल एज वेल। तो फॉक्सवैगन वेंटो विल गेट 10 मार्क्स फॉर इट। नंबर ऑफ एयर बैग्स, जिसमें मैक्सिमम मैंने रखे हैं 7, क्योंकि 25-26 लाख के ऊपर वाली गाड़ियों में ही 9 एयर बैग्स आते हैं, तो इसमें 4 एयर बैग्स हैं, तो 7 में से इसको 4 नंबर मिलेंगे। अगर 7 एयरबैग्स होते तो 7 के 7 नंबर मिलते। डोर्स की फिट एंड फिनिश या डोर्स की फील, इसका हैवीनेस, इट इज इनकम्पेरेबल टू एनी अदर सेडान। सबसे हैवी डोर्स हैं फॉक्सवैगन वेंटो के, और बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप दरवाजे को शट करते हैं, थर्ड की साउंड आती है और बहुत ही मस्त फीलिंग आती है। अगर आपने ऑडी A3 में बैठे हो, चलाई है ऑडी A4 या BMW 320, तो फील इज़ क्वाइट सिमिलर डोर्स की। तो ये मुझे नहीं लगता कोई और सेडान आपको सेम फील प्रोवाइड करती है फॉक्सवैगन वेंटो जैसी या स्कॉडा रैपिड जैसी। तो इसमें 4 में से 4 मार्क्स जाएंगे डोर्स फील में। फिर आती है व्हील वेल क्लैडिंग। व्हील वेल क्लैडिंग में भी 4 में से 4 मार्क्स जाएंगे, क्योंकि जो फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ हैं, ये व्हील वेल जो आप देख रहे हो टायर के पीछे वाला एरिया, इसमें आपको प्रॉपर क्लैडिंग प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक कलर का आप कवर देख सकते हो, तो रियर में भी ये आपको प्रोवाइडेड है सी। तो बाकी गाड़ियों में अगर आप देखोगे तो जो उनका पेंट होता है वही आपको अंदर कवर के बिना सारा वायर्स और सारा जो है वो अनटाइडी लगता है थोड़ा सा स्टफ देखने में, बट इधर बहुत अच्छे से व्हील क्लैडिंग दी हुई है, जिसमें साइड प्रोफाइल से गाड़ी सुंदर तो लगती है, बट आपको जब टायर अगर आपका घूम रहा है तो पत्थर वगैरह भी गाड़ी के अंदर जो है वो मेटल में टच करने की आवाज़ नहीं आती। क्लैडिंग जो है उसमें इंसुलेशन में हेल्प करती है आपको। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग बाकी सेडान्स करती हैं। सिटी में ये मिसिंग है, वरना में ये मिसिंग है, सीएस में भी मिसिंग है, बट वेंटो रैपिड में आपको ये चीज़ मिसिंग नहीं मिलेगी। तो इसमें फुल मार्क्स व्हील क्लैडिंग में जाएंगे फॉक्सवैगन वेंटो को। जो है बूट रूफ कवर, तो जैसे मैंने कहा है कि कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं है, तो जो ये बूट रूफ अगर आप देखो तो ये आपको एक्सपोज्ड सारा इधर दिख जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच लुकिंग अगली और वेरी अनलाइक ऑफ फॉक्सवैगन। थोड़ी सी मैं कहूँगा कॉस्ट कटिंग इधर मैं कह सकता हूँ। ये देखिए ये कितने बुरे लग रहे हैं इधर पेच, ये देखिए। तो अगर इसको भी किसी तरीके से एडजस्ट किया जाता, कवर किया जाता, तो इट वुड बी बेटर। तो इसमें एक पॉइंट
कट हो जाएगा बूट रूफ इंसुलेशन में फॉक्सवैगन वेंटो का। स्पेयर व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूं तो जो वॉक्सवैगन वेंटो के साथ आता है वो अंडर साइज़ आता है, तो 14 इंचेस का या आई थिंक 15 इंचेस का 14 इंचेस का है, तो इसमें भी आपको एक पॉइंट कट हो जाएगा फॉक्सवैगन वेंटो का। ये भी एक तरीके की कॉस्ट कटिंग ही है। अगला पॉइंट दोस्तों जो है वो है लेज़र वेल्डेड रूफ का। तो फॉक्सवैगन वेंटो में, पोलो में या टाटा एल्ट्रॉस जैसी गाड़ियों में आपको लेज़र वेल्डेड रूफ़ मिलेगी। इधर जो है वो लेज़र वेल्डिंग है, इसमें रबर बीडिंग के साथ जॉइंट नहीं किया होता, ये लेज़र वेल्डिंग की होती है। जो सेम टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है ऑडी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों में भी, तो इधर जो है फॉक्सवैगन वेंटो को ये मार्क्स मिलेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है बम्पर डेप्थ एंड बम्पर क्वालिटी। तो पैसेंजर सेगमेंट में वॉक्सवैगन से अच्छे बम्पर किसी के भी नहीं है। आप कोई भी अगर आप उठा के देखोगे, अगर आप कोई मिस हैपनिंग्स जो हुई हैं फॉक्सवैगन, मैंने भी इसके रिव्यूज़ डाले हैं, तो बम्पर्स इसके बहुत ही हाई क्वालिटी हैं। इससे अच्छी क्वालिटी किसी भी ब्रांड में आपको नहीं मिलेगी। और बम्पर डेप्थ भी अगर आप देखो तो बहुत अंदर चक जाता है बम्पर। मैं फ्रंट बम्पर भी आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ही सॉलिड, अगर मैं बहुत ज़ोर लगा के भी करता हूँ तो बहुत कम फ्लेक्स होता है। ये मैं काफ़ी ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखिए बहुत कम फ्लेक्स है इसमें। और अगेन बम्पर डेप्थ जो है वो बहुत डीप तक जाता है बम्पर, तो इसमें फॉक्सवैगन वेंटो को फुल मार्क्स मिलेंगे बम्पर डेप्थ में। अगला पॉइंट जो है, इधर फॉक्सवैगन ने इंजन के नीचे अगर आप देखो तो प्रोटेक्शन नहीं दी है, हम जो हैं वो देख पा रहे हैं ज़मीन। महंगी गाड़ियों में इंजन प्रोटेक्शन आती है, सेल्टॉस में आती है, टी रॉक में आती है, क्रेटा में आती है, बट फॉक्सवैगन वेंटो भी कोई इतनी सस्ती गाड़ी नहीं है। 14-15 में इसका ऑटोमेटिक वर्जन आता है, तो दे शुड हैव प्रोवाइडेड अंडर बॉडी प्रोटेक्शन, अंडर इंजन प्रोटेक्शन। सो आई एम सॉरी बट आई हैव टू डिडक्ट अ मार्क्स हियर। ये भी एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है। अगला पॉइंट जो है वो है पैनल गैप्स की प्रिसीजन और यूनिफॉर्मनेस का, कि इसकी जो है पैनल गैप्स वो बिल्कुल प्रिसाइज्ड होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो अगर आप देखो इधर बम्पर से मैं शुरू हो रहा हूँ, तो अगर ये 5 mm के आसपास भी है पैनल गैप, तो ये इधर ए पिलर और बोनट के साथ जॉइंट है, तो ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है 5 mm के आसपास ही, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। पीछे मैं चला जाता हूँ, बी पिलर के नीचे डोर्स वाला, ये भी कंसिस्टेंट, सी पिलर और डोर वेरी कंसिस्टेंट आई मस्ट से, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज, और नीचे आते आते भी बहुत प्रिसाइज्ड है। ये देखिए ये भी 5 mm है। अगर आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है तो दैट इज़ बिकॉज जो स्कर्टिंग है वो अंदर की तरफ हुई की हुई है उन्होंने इसके कारण, बट इन रियल लाइफ ये बहुत प्रिसाइज्ड है। बम्पर के जॉइंट्स आप देखिए, कोई अगली जॉइंट्स नहीं है, बहुत यूनिफॉर्मनेस के साथ जॉइंट्स। और ये फ्यूल लिड, और जब हमने टेल बूट को देख रहे हैं आप, तो अगेन पैनल गैप्स आर कंसिस्टेंट। तो फिट एंड फिनिश फॉक्सवैगन की अनमैच्ड है आई मस्ट से, इससे अच्छी फिट एंड फिनिश आपको किसी सेडान में नहीं मिलेगी। सो देर आर नो कॉर्नर्स दैट आर बीइंग कट इन पैनल गैप्स और फिट एंड फिनिश, सो आई बिलीव फॉक्सवैगन गेट्स फुल मार्क्स हियर। अगला पॉइंट जो है वो है पेंट वारंटी का। फॉक्सवैगन की जो गाड़ियां हैं वो 7-stage पेंट जो है ये यूज़ करते हैं, और आप आज से नोटिस करना कि इनकी पेंट की क्वालिटी, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी भी देखोगे, स्कॉडा लॉरा या फॉक्सवैगन पोलो, 10 साल पुरानी भी अगर होगी ना, तो उसका पेंट बहुत अच्छा होगा। उसका रीज़न ये है कि जो ऑडी के लिए ये पेंट स्टेजेस यूज़ होती है ना, वही सेम चीज़ें, सेम टेक्नोलॉजी फॉक्सवैगन वेंटो, फॉक्सवैगन पोलो, टी रॉक के लिए यूज़ करते हैं। और इकलौता ब्रांड है जो पैसेंजर गाड़ियों में 6 साल की आपको पेंट वारंटी देता है। तो पेंट वारंटी देने के लिए ये पॉइंट में मैं इनको 1 mark दूंगा, क्योंकि पेंट वारंटी और कोई भी ब्रांड नहीं देता। तो बाकी गाड़ियां जब हम ऐसे रिव्यू करेंगे तो उनमें इनका पॉइंट कट होगा। तो हैट्स ऑफ टू फॉक्सवैगन फॉर गिविंग पेंट वारंटी। पील ऑफ अगर आप पेंट होता है आपका, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, तो देर इज़ एन एडवांटेज कि आपको वो फ्री में रिपेयर करके देंगे आपका पेंट जहाँ से भी अगर ख़राब हो। अगला पॉइंट जो है वो है एंटी करोजन वारंटी। तो
आई डोंट नो इफ अदर ब्रांड्स प्रोवाइड इट, बट 6 साल की एंटी करोजन वारंटी फॉक्सवैगन आपको देता है. अगर आपको पार्ट्स में रस्टिंग कहीं भी दिखाई देती है तो फॉक्सवैगन विल रिपेयर इट फॉर फ्री. एंड अगेन फॉक्सवैगन गेट्स 1 mark फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड अगेन हैट्स ऑफ टू फॉक्सवैगन फॉर बीइंग सो क्वालिटी कॉन्शियस. 1 mark. अगला पॉइंट जो है वो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स का. मोस्टली गाड़ियाँ जो होती हैं अपने वेरियंट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स आजकल नहीं देती, वो भी एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है. बट फॉक्सवैगन में चारों जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे. 5वां हेडरेस्ट मिसिंग है तो मुझे लगता है कि एक नंबर में भी 5 में से इनका कट होगा, बट चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने के कारण इनको 5 में से 4 नंबर इधर देने होंगे. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट होना ज़रूरी है. हाइट के हिसाब से पैसेंजर अपनी हेडरेस्ट एडजस्ट करते हैं और फिक्स्ड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग रहती है. तो 4 marks टू फॉक्सवैगन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अगला पॉइंट जो है वो है अंडर बॉडी डैशबोर्ड क्वालिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं वो तो सुंदर हर गाड़ी में हो सकता है हों, बट जहाँ पे आपकी निगाह नहीं जा सकती उसमें क्वालिटी कैसी है. तो जैसे अगर मैं इधर ये एरिया देखूँ, ये भी बहुत सॉलिड है. प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है. प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट बहुत अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है. और अगर मैं नीचे होके देखूँ, नीचे होके अगर हम देखें तो बहुत टाइडी तरीके से सब कुछ, सारी असेंबली है. ड्राइवर साइड से भी देखते हैं, कोई भी एक्सपोज्ड वायर या अगली बिट्स मुझे नहीं लगता इसमें नज़र आएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने फॉक्सवैगन पोलो में भी अपने चेक की थी. तो लेट्स चेक इट आउट. ये देखिए, ये सारी असेंबली बहुत ही नीटली बनाई हुई है. आपको अगली बिट्स नहीं दिखने के मिलेंगे. मैटिंग की जो मैटिंग भी जो है वो ऊपर तक जा रही है. और फिर आपको ये सारी असेंबली दिख रही है, रेस, ब्रेक और क्लच की. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सपोज्ड स्क्रूज. तो ये भी फॉक्सवैगन की खासियत है कि इसमें आपको स्क्रूज आपको अंदर गाड़ी में नहीं दिखेंगे. मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रूज मोस्टली आप किन गाड़ियों में देख सकते हो. महंगी से महंगी आप गाड़ी उठा लो, किया सेल्टॉस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्रेटा, या आप कोई भी उठा लो, होंडा सिटी, वरना, सियाज, महिंद्रा XUV 300, नेक्सॉन, एल्ट्रॉस. तो आई शो यू कहाँ पे आपको स्क्रूज दिख जाएंगे, बट इधर में आपको नहीं दिखेंगे. तो ये जो इन्होंने सन वाइजर्स लगाए हैं, इधर देखिए स्क्रू होते हैं मोस्टली, तो इधर स्क्रूज नहीं है. पावर विंडोज के आसपास एक स्क्रू होता है हमेशा फिटिंग के लिए, तो इसमें वो नहीं है. सबसे मेन इधर तो स्क्रू होता ही होता है ग्रैब हैंडल्स के पास इंटरनल, इधर स्क्रू छोड़िए स्क्रू कवर तक नहीं है. यू वॉन्ट गेट टू नो कि ये फिट कैसे किया गया. ये देखिए, नो स्क्रूज, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है. और एक जगह जहाँ पे स्क्रू होता है वो होता है स्टीयरिंग, जहाँ पे फिट करते हैं. ये देखिए, इधर या नीचे, तो इधर भी स्क्रू नहीं है. साइड में तो कहीं भी अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं स्क्रूज को, कोई भी एरिया, ये देखिए इंटीरियर पार्ट्स में, नीचे, ऊपर, कहीं भी स्टोरेज स्पेसेस में भी, तो इवन रियर में भी, ग्रैब हैंडल्स में, तो यू वॉन्ट फाइंड एनी. तो इधर जो है मार्क्स फॉक्सवैगन वेंटो को जाएंगे. तो पैसेंजर सेगमेंट में बिना स्क्रूज के और अगली बिट्स के बिना गाड़ी होना, इट्स अ ह्यूज डील. और फॉक्सवैगन गॉट फुल मार्क्स फॉर दिस. फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटीरियर्स में जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो कैसी है. जैसे अगर मैं ये सन वाइजर की बात करूं, तो अगर आप सन वाइजर की विड्थ, सॉरी, अगर सन वाइजर की हाइट देखो, इतना मोटा सन वाइजर है. जस्ट इमेजिन कि ये क्यों इतना मोटा बनाया गया है.
पतला भी दे सकते थे, बट क्योंकि क्वालिटी जो है वो वॉक्सवैगन की यूएसपी है, तो ये बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा तो मैंने किसी गाड़ी में भी नहीं देखा। टी रॉक में भी जो है इसके बराबर ही है, इतना मोटा सनवाइजर। ग्रैब हैंडल्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, दे फील वेरी सॉलिड। मैटिंग जो की गई है वो बहुत अच्छी है, देर इज़ नो कॉस्ट कटिंग। अगर आप कोई और गाड़ी में चेक करोगे तो इधर से अगर आप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा आपको कि बहुत पतला है, बट ये वाला मैट जो है, ये क्वालिटी जो है इसकी मैट की बहुत अच्छी है। अगर मैं फ्लोर मैट की भी बात करूँ जो इसके नीचे यूज़ होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ कि 8 साल में जो है मेरी फॉक्सवैगन पोलो को मैट्स जो है वो परफेक्ट हैं अभी भी। अगर हम उसको ड्राई क्लीन जैसे मैंने एक बार करवाया है तो इट हैज़ कम इन टू ब्रांड न्यू कंडीशन, तो घसा नहीं है बिल्कुल भी, नीचे मेटल एक्सपोज नहीं हुआ है। तो ये वाली चीज़ भी जो है ये कॉस्ट कटिंग इधर फॉक्सवैगन ने नहीं की गई। सनवाइजर हो गए, इंटीरियर मैट्स हो गए, रूफ मैट हो गए, सीट्स की कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है, आपको थाई सपोर्ट और आपको बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी चौड़ी इसकी सीट। और 7-8 साल के बाद भी जो है ऐसा नहीं आपको लगेगा कि सीट्स जो हैं वो जवाब देना शुरू हो गई है, कुशनिंग अभी भी गाड़ी की बहुत अच्छी है मेरी पोलो में। तो इस मामले में भी फॉक्सवैगन को जो है वो मैं पूरे मार्क्स दूंगा, क्योंकि अगर फॉक्सवैगन में ये चीज़ों की कमी आ गई तो बाकी गाड़ियों का तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो इसमें फॉक्सवैगन को पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टॉक्स का अगर आप क्वालिटी देखो तो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक, मीठी लगता है बिल्कुल पकड़ने में। बटन्स की क्वालिटी इट्स सुपर्ब, बहुत प्रीमियम फील होता है यूज़ करने में। तो पार्ट्स की क्वालिटी में इनको इंटीरियर में मैं फुल मार्क्स दूंगा, जो कि 10 मार्क्स हैं। तो अभी सारी जो है ये शीट, तो अभी सारी जो ये है मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट के 100 में से अगर मैं प्रोपोर्शनेटली निकालूं 100 करके, तो हाउ मेनी मार्क्स वॉक्सवैगन हाईलैंड प्लस विल गेट। तो लेट्स चेक इट आउट गाइस। और